बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुजूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم। कोई क्या जाने तेरे सर का रुतबा, कोई क्या जाने तेरे सर का रुतबा, कि तलवा ताजे अहले दिल है या गौस, मशाइख में किसी की तुझ पे तफजील, बहुक्म औलिया बातिल है या गौस। वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। दोस्ताने मोहतरम, आज के इस खुतबे जुमातुल मुबारक में पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर अलजीलानी सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हों से प्यार और मोहब्बत करने वालों के लिए चंद बशारतें कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करना चाहता हूँ। अगर हम औलिया अल्लाह से, अल्लाह के वलियों से, सालिहीन से मोहब्बत करते हैं तो क्या इसका कोई फ़ायदा है, और क्या शरीयत में इसका हुक्म दिया गया है? तो इस सिलसिले में अहादीस तैयबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस मोहब्बत के हवाले से खूब इरशादात अता फरमाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशा फरमाते हैं, मा अहब अब्दुन अब्दन लिल्लाहि इल्ला अकरम रब्बहु तआला। इस हदीस पाक का तर्जुमा ये है कि जब भी कोई मोमिन किसी बंदे से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता है, इल्ला अकरम रब्बहु तआला, हकीकत में वो अपने रब का एहतराम करता है। तो अल्लाह के दोस्त सालिह वली से प्यार करना, ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इल्ला अकरम रब्बहु तआला, कि ये मोहब्बत दर हकीकत खुदा का एहतराम है। और इस हदीस की शरह में जो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमान ने बात लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के मकबूलों से मोहब्बत, उनकी तअज़ीम रज़ाए इलाही के लिए हो तो वो रब ताला की तअज़ीम और उसका एहतराम है। फरमाते हैं बराहे रास्त अल्लाह ताला से मोहब्बत बहुत मुश्किल है। बराहे रास्त अल्लाह ताला से मोहब्बत बहुत मुश्किल है। उस करीम से मोहब्बत करना हो तो उसके मकबूलों से मोहब्बत करो। जैसे बराहे रास्त अल्लाह ताला को सजदा नामुमकिन है, अल्लाह को सजदा करना हो तो काबे मुअज्जमा की तरफ करो। बस ये हजरात औलिया मोहब्बत इलाही का काबा है। सजदा खुदा की तरफ करना हो तो काबे की तरफ सर झुकाओ।
रब से मोहब्बत करनी हो तो रब के वलियों से प्यार करो। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया, हयो बाकी जिसकी करता है सना, हई अल्लाह की जात है, बाकी अल्लाह की जात है, हयो बाकी जिसकी करता है सना, मरते दम तक उसकी मिदहत कीजिए। लज्जत उठाइए शेर की, हयो बाकी जिसकी करता है सना, हयो बाकी जिसकी करता है सना, मरते दम तक उसकी मिदहत कीजिए। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, उस प्यारे से मोहब्बत कीजिए। तो जिस तरीके से सजदा खुदा को होता है मगर झुकना काबे की तरफ है, यूं ही प्यार खुदा से है मगर उस प्यार का एक जरिया वलियों की मोहब्बत है कि बंदा इनसे प्यार करता है तो रब इसे अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है। इल्ला अकरम रब्बहु तआला, हमारे नबी अली सलाम फरमाते हैं, जो मोमिन फरमाते हैं, जो मोमिन किसी वली से अल्लाह की रजा के लिए प्यार करे, इल्ला अकरम रब्बहु तआला, हकीकत में वो अपने रब की ताजीम करता है, अपने रब का एहतराम करता है। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने वलियों के प्यार को खुदा के प्यार के ऑपोजिशन समझ रखा है? ये तो खुदा की मोहब्बत का मजर है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत के लिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करो कैसे, मेरे वलियों से प्यार करो, मेरे दोस्तों से प्यार करो। और फिर इस दोस्ती का आलम यह है, हमारे आका अली सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू जर गफारी से इरशाद फरमाया, या अबा जर अय्यू उरल ईमान औसकु, ए अबू जर, ईमान की गिरहों में से सबसे मजबूत गिरह कौन सी है? ईमान के कड़ों में से सबसे मजबूत कड़ा कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो हमारे आका अली सलाम ने फरमाया, अल मुवालातु फिल्लाह वल हुब फिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह वालों से प्यार करना ये ईमान का सबसे मजबूत कड़ा है, ईमान का सबसे मजबूत कड़ा है। बल्कि एक जगह हमारे आका अली सलातु वसलाम ने सहाबाए किराम के सामने इरशाद फरमा, अतदरून अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाहि तआला, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की बारगाह में महबूब तरीन अमल कौन सा है? समझने वालों ने उसको अफजल की एतबार से लिया कि अफजल अमल हुजूर पूछ रहे हैं, लेकिन हुजूर अफजल नहीं अहब पूछ रहे थे कि महबूब ज्यादा अमल अल्लाह को कौन सा है। सहाबाए किराम ने जवाब दिया कि अस्सलातु वज़्ज़कातु वल्जिहादु, किसी ने कहा कि नमाज है जो सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल है, किसी ने कहा जक़ात है, किसी ने कहा जिहाद है। हमारे आका अली सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अहब्बल अमाली इलल्लाहि तआला अल्हुब्बु फिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब तरीन अमल यह है कि अल्लाह वालों से प्यार किया जाए। तो आप गौर कर रहे हैं, चूंकि ये मोहब्बत ही तुम्हें नमाज की तरफ लाएगी, ये मोहब्बत ही तुम्हें दीगर फराइज की अदायगी की तरफ लाएगी, तो यहां अफजल अमल की बात नहीं अहब अमल की बात हो रही है कि महबूब तरीन अमल कौन सा है। अब इस मोहब्बत पर जब हम अमल करेंगे कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने इतना कुछ फरमा दिया जगह जगह पर कि इन सालिगीन का प्यार खुदा का एहतराम है और इन सालिगीन से प्यार करना ईमान का मजबूत कड़ा है और इन सालिगीन से प्यार करना ये अहब तरीन महबूब तरीन अमल है, तो जब मोमिन अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक इन सालिहीन से प्यार करेगा तो
तो आगे मिलेगा क्या? कभी बंदा सोचता है हम जिन सालिहीन से प्यार करते हैं वो कहाँ मगरिब में, हम कहाँ मशरिक में, जमाने जमीनी के जमीन के एतबार से बहुत दूर हैं हम, तो हम इनसे प्यार करें तो क्या फायदा होगा? हमारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम इरशा फरमाते हैं, लौ कान वाहिदन फिल मशरिक व वाहिदन फिल मगरिब लजमअ अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़ियामा। हमारे आका फरमाते हैं, अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए प्यार किया होगा तो तुम्हारा महबूब मशरिक में हो, तुम मगरिब में हो, इतने दूर के फासले भी अल्लाह यूं समेट देगा कि कयामत के दिन रब तुम्हें उठाएगा तो महबूब के कदमों में उठाएगा, रब तुम्हें जमा फरमा देगा। ये है सालिहीन से मोहब्बत का फायदा। और यहां पर हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन फिल जन्नति लउमुदम मिन याकूत। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में लउमुदम मिन याकूत, याकूत के सुतून हैं, अलैहा गुरफुम मिन जबरजद। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, उन याकूत के बने हुए सुतूनों और पीलरों पर जबरजद के महल बने हुए हैं, सुतून याकूत के जन्नत के, और उसके ऊपर महल बने हुए हैं जबरजद के। हमारे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, लहा अबवाब मुफत्तहतुन, उन याकूत के सुतूनों पर जबरजद के बने हुए महलों के दरवाजे हर दम खुले हुए हैं। युजीउ कमा युजीउल कौकबु दुर्रियु, हमारे आका फरमाते हैं जिस तरह सितारे चमकते हैं उन खुले हुए दरवाजों पर यूं ही नूर बरसता है। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यस्कुनुहा, के याकूत के सुतूनों पर जबरजद के महलों में नूर बरसते हुए खुले दरवाजों में रहेगा कौन, किसे सुकूनत मिलेगी? तो हमारे आका अली सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुतहाबून फिल्ला, जो अल्लाह वालों से अल्लाह की रजा के लिए प्यार करेगा रब उन्हें जन्नत में ये महल अता फरमाएगा। ये हैं सालिहीन, अल्लाह वालों से प्यार करने का अजर व सवाब। इसलिए याद रखना, इनसे प्यार करना, कई दिनों से आप गौस पाक की महफिलें सजा रहे होंगे, इसाले सवाब करते होंगे, उनके नाम नजर व नियाज इसाले सवाब ये सब कुछ करते होंगे, तो फिर ये लज्जत भी महसूस करो कि प्यार इन तरीकों पर कर रहे हो तो इंशाअल्लाह ये सारी बशारतें भी रब तुम्हें अता फरमाएगा और इन बशारतों का रब अहल और मुस्तहिक बनाएगा। इसलिए ये प्यार है। मैंने आयत जो पढ़ी है कुरान की, उस आयत का तर्जुमा पता है क्या है? वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह से प्यार करते हैं। और बेशक बिला रैब मोमिन सबसे ज्यादा खुदा से प्यार करता है। आप कहेंगे फिर आप तो ये सारी मोहब्बतों की बात कर रहे हैं, सालीन से अलिया अल्लाह से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हां, इन दोनों में टकराव कोई नहीं, बस समझने की जरूरत है सबसे ज्यादा रब से प्यार करना होता क्या है, यही तो समझने की जरूरत है। यहां पर ही तो लोगों ने धोखा खाया कि सबसे ज्यादा खुदा से प्यार करना है तो बस खुदा को याद करो, सालिहीन को क्यों याद कर रहे हो, इनके दिन क्यों मना रहे हो, इनके जश्न क्यों मना रहे हो, इनके जुलूस क्यों निकाल रहे हो। तो ये बात समझने की है कि जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को सालिहीन की मोहब्बत के ऑपोजिशन समझा है, उनको एक मिसाल के जरिया मैं सादा बात समझाऊं। एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत, दोनों रिश्ते निकाह में जैसे बंध गए,
तो हमारे आका अली सलाम फरमाते निकाह के जरिया जैसी मोहब्बत पैदा होती है वैसी मोहब्बत किसी और जगह पैदा नहीं होती है। ये निकाह में जैसे ही अजनबी मर्द और अजनबी औरत बंद गए, अब इन दोनों की मोहब्बत ऐसी के सरकार फरमाते वैसी मोहब्बत और जगहों पर नहीं है। ये मोहब्बत कैसी है कि जो लड़के का बाप है वो लड़की का बाप बन गया, उसके दर्जे में आ गया। जो इधर वालिदैन हैं वो इसके वालिदैन, जो इसके वालिदैन हैं वो उसके वालिदैन, ऐसा एहतराम हो गया शरीयत में लाजिम। जहां जहां इस मर्द के रिश्ते जुड़े हैं वहां वहां इसकी औरत के भी रिश्ते जुड़ गए, जहां जहां इस मर्द के रिश्ते जुड़े हैं वहां वहां इस औरत के भी रिश्ते जुड़ गए। क्या मतलब? एक मियां बीवी का रिश्ता सही तरीके पर जुड़ गया तो जहां जहां एक दूसरे के रिश्ते जुड़े हैं खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। हम कहते हैं ईमान वाले सबसे ज्यादा खुदा से प्यार करते हैं, इसका मतलब ही यही है कि एक खुदा से प्यार किया, अब जिस जिस से खुदा ने प्यार किया उस से खुदा के बंदे ने प्यार किया। अब ये कितनी बेअकली की बात होगी कि नहीं जी हमें, तुम हमारी बीवी हो इसलिए हमें तुमसे प्यार है, मगर तुम्हारे वालिदैन से कोई प्यार नहीं, तुम्हारे चचा मामू से हमें कोई प्यार नहीं, या बीवी यूं अपने शौहर से कहें, तो हर शख्स ये समझेगा कि ये जहनी तवाजुन खो बैठा है या इसे माशरे के उसूल का पता नहीं कि माशरे में सोसाइटी में रहते कैसे हैं। बस ये लोग जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत और वली की मोहब्बत को अपोजिशन समझ रखा है, मैं समझता हूं उन्होंने उसूल माशरा तो क्या उसूल दीन ही नहीं समझे। दीन को जानते तो फिर सालिहीन के प्यार को खुदा के प्यार का जरिया और सबब मानते। और फिर गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो तो वो कुतुबुल अकबर और वो गौसुल आजम हैं कि इमाम महदी के आने तक अब जिस किसी को विलायत मिलेगी इन्हीं के दम कदम से मिलेगी। ये कदम रखेंगे तो आगे विलायत तकसीम होगी, चूंकि रब ने इन्हें रूहानियत का वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया। गौस पाक फरमाते हैं मकामुकुमुल उला जमअं वलाकिन मकामी फौककुम मा ज़ाल आली, ए तमाम वलियो मकामुकुमुल उला, तुम सबका मकाम बहुत बुलंद है, वलाकिन मकामी फौककुम मा ज़ाल आली, लेकिन अल्लाह ने मेरा मर्तबा तुम सबसे बुलंद फरमाया है। गौस पाक बड़ी शान रखते हैं। मैंने यहां पर कई रिवायतें जमा की हैं, लेकिन एक आपकी बड़ी शान जो मैंने फतवा रज़विया शरीफ की पहली जिल्द में पढ़ी वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फतवा रज़विया शरीफ की पहली जिल्द में इमाम अहले सुन्नत ने इस पर बहस की है, चूंकि ये पूरी जिल्द वुजू के बारे में है, पानी के बारे में है कि वुजू कैसे टूटता है और वुजू किन पर लाजिम होता है, तो यहां पर बहस करते करते इमाम अहले सुन्नत ने अंबियाए किराम की बात जिक्र की है। चूंकि बंदे के वुजू के टूटने का एक सबब नींद है कि जब बंदा सो जाता है तो उसका वुजू टूट जाता है, जो उसके शराइत लिखे गए हैं कि वुजू की वजह से चूंकि नींद की वजह से बंदा गाफिल हो जाता है तो उसका वुजू टूट जाता है। लेकिन सरकार आला हजरत ने यहां सबके वुजू टूटने की बात करते करते इस पर जिक्र किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन आईनय तनामानी वला यनामु कल्बी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते बेशक मेरी आंखें तो सोती हैं मगर मेरा दिल जाग रहा होता है। फिर सवाल हुआ कि क्या ये हमारे नबी की खुसूसियत नबियों के मुकाबिल है या उम्मत के मुकाबिल है, कि क्या दीगर नबियों को भी ये शान हासिल है? तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया अल अंबिया तनामु आयुनुहुम
वला तनामु कुलूबुहुम। हमारे आका अलैहि सलाम फरमाते तमाम अंबिया वो हैं कि उनकी आंखें तो सोती हैं मगर उनके दिल जाग रहे होते हैं। तो फिर दिल जाग रहा होता है तो उनकी नींद नाकिज़े वुज़ू नहीं, वो सो जाए तो वुज़ू नहीं टूटता है। अब यहां पर आगे सवाल ये हुआ, हल यजूसु अन यकून ज़ालिका लिअहद मिन अकाबिरिल उम्मा वरासतम मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि क्या ये कैफियत कि आंखें सोए और दिल जागे, क्या ये हुजूर की उम्मत में किसी को मिला है? वरासतम मिन्हु, हुजूर की वरासत में, हुजूर के सदके में, हुजूर के करम से हुजूर की उम्मत में किसी को ये मिला है कि उसकी आंखें सोए और दिल जाग रहा हो? तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं मलिकुल उलमा बहरुल उलूम अब्दुल अली मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अरकानुल अरबा अपनी किताब में लिखा है कि इन काल अहदुन इन कान फी इत्तेबाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम बलगा रुतबतन ला यगफुलु फी नौमिही बिकल्बिही। फरमाते हैं हाँ, हुजूर की उम्मत में ये मर्तबा कि आंखें सोए और दिल जागता रहे, ये हुजूर के दरे फैज से सदका मिला है गौसुल आजम दस्तगीर को। ये सरकार गौस पाक की शान है कि जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी अली सलातु व सलाम के फैज से ये नेमत अता फरमाई है। और आगे लिखते हैं, फरमाते हैं वगैरहु मिम्मन वसला इला हाज़िही रुतबा, और गौस पाक के अलावा भी बाज औलिया हैं जो इस मरतबे तक पहुंचते हैं तो रब उन्हें भी ये जलवा और ये शान अता करता है। व इल्लम यसिल मरतबत रदी अल्लाह ताला नु, अगरचे उनमें कोई गौस पाक के मरतबे को नहीं पहुंचा मगर वो जो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो गौस पाक के अलावा भी कुछ वली हैं जिन्हें रब ने अपने नबी की उस शान का जलवा और फैज दिया कि आंखें सोती हैं और दिल जागता है। फरमाते बाज दीगर वलियों को भी रब ने ये करामत दी है मगर वो इस करामत तक पहुंच करके भी गौस पाक के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं। ये सरकार आला हजरत ने इसको फतह रजविया शरीफ के अंदर लिखा। तो ये हमारे पीर पीराने पीर रोशन जमीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। इसलिए साथियों, इनसे मोहब्बत यकीनन सरमाया आखिरत है। इनकी बारगाह में इसाले सवाब और नजर व नियाज और अकीदत का नजराना पेश करना ये हमारे लिए आखिरत की पूंजी हैं। और ये मोहब्बत हैं जो दुनिया और आखिरत में मोमिन के ईमान के तहफ्फुज़ का सबब बनती हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है रब्बे जुल जलाल हम सब को इस मोहब्बत का कमाल अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपनी रजा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।